अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं, पर मैं ये हवन 8:25 होने से पहले किसी भी हालत में शुरू नहीं होने दूंगी। इनका शुभ मुहूर्त चाहे शुरू हो चुका हो, परंतु मेरा शुभ मुहूर्त शुरू होने में अभी 25 मिनट बाकी है। तब तक मैं क्या करूं, कैसे करूं? तिमुर बेटा, यहां अदिति के पास आकर बैठो। आओ, यहां रहने दीजिए, इसे मैं अपने साथ रखती हूँ। बच्चा है ना, वहां बैठेगा और इधर उधर कुछ गिरा दिया तो इसका ध्यान मैं रखूंगी। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्त्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्। बस कुछ पल इंतजार करो, उसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, जैसा हम चाहते हैं। इस हवन को आरंभ करने से पहले मैं आप सबको इसका महत्व बताना चाहता हूं। यह हवन बुराई के विनाश और भलाई की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इन मंत्रों के प्रभाव से बुराई कमजोर होती जाएगी, आसुरी शक्तियां निर्बल होंगी और उनका विनाश होगा, और इस घर से हर बुरी छाया पूरी तरह से मिट जाएगी, वातावरण कल्याणमयी हो जाएगा। आप कहाँ जा रही हैं? तिमिर को बाथरूम जाना है और मुझे इसकी कमीज भी बदलनी है, वरना दाग रह जाएंगे। आप हवन शुरू कीजिए, हम अभी आते हैं। नहीं, हम आपकी प्रतीक्षा करें। ठीक है, आप हमारा इंतजार कीजिए, हम 5-10 मिनट में आते हैं।